2005 में मैं मंत्री पद पे नहीं था। एक आरआर पाटिल जी के साथ उनकी वीडियो वायरल हुई थी, ये सवाल आपने खड़ा किया। हमने मुनीरा से संपत्ति लेने के बाद सलीम पटेल की वो वीडियो वायरल हुई थी और सलीम पटेल ने उन सारे अखबार और चैनलों पे जिन लोगों ने दाऊद से उसका कनेक्शन बताया था उन पे डिफेमेशन सूट फाइल किया था। और 5 महीने पहले मैंने जानकारी ली सलीम पटेल का देहांत हो गया और सलीम पटेल ये मुनीरा का पावर ऑफ अटॉर्नी था। सरदार वली खान के बारे में उन्होंने कहा कि सजा याफ्ता मुजरिम से आपने कोई लेन देन किया है, 2005 में वो कन्विक्टेड नहीं था। जो वॉचमैन वहाँ पे था उनका लड़का था, 300 मीटर पे 7:12 पे उसने अपना नाम चढ़ा लिया था रेक्टिफिकेशन करने के लिए कोई कागज़, वो हमने उनको पैसा दिया था, ये सच्चाई है। लेकिन देवेंद्र जी ने हमें जो लड़ाई में लड़ रहा था या लड़ रहा हूँ, जो एनसीबी में निर्दोष लोगों को फंसाने का, हजारों करोड़ की उगाही करने का, कहीं ना कहीं देवेंद्र जी उसको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और सिर्फ डाइवर्ट करने का नहीं, उस अधिकारी को बचाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि देवेंद्र जी के उस अधिकारी के पुराने संबंध हैं। 2008 में कोई अधिकारी नौकरी पे आता है और 14 साल से मुंबई शहर छोड़ता नहीं, इसके पीछे क्या राज है? देवेंद्र जी औरों को कह रहे हैं कि अंडरवर कलेक्शन के लोग हैं ये, लेकिन देवेंद्र जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडरवर्ल्ड के लोग जो अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड लोग हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका देवेंद्र जी औरों को कह रहे हैं कि अंडरवर कलेक्शन के लोग हैं ये, लेकिन देवेंद्र जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडरवर्ल्ड के लोग जो अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड लोग हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? मुन्ना यादव नाम का एक व्यक्ति जो नागपुर का खुखायत गुंडा है, जिसपे हत्या से लेके सभी तरह के मामले दर्ज हैं, जो आपका राजनीतिक सारे भय पैदा करने वाला आपका साथी है, उस मुन्ना यादव को आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या आपकी गंगा में मुन्ना यादव नहा के पवित्र हो गया था? आपने हैदर आजम नाम के एक आपके नेता को मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या हैदर आजम बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है? क्या हैदर आजम की दूसरी पत्नी जो बांग्लादेशी है, जिसकी जांच मलाड पुलिस स्टेशन ने शुरू की, 24 परगना पुलिस थाने में कागज भेजे गए, बंगाल पुलिस ने भेजा कि ये जो भी
बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी कागजात है ये फर्जी है। और मलाट पुलिस स्टेशन जब मुकदमा दर्ज कर रही थी तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन करके आपने वो मामला दबाने का काम किया कि नहीं? क्या आपके इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में उगाही का काम हो रहा था कि नहीं? मामला मुंबई का हो, बिल्डरों के जमीनों का झगड़ा हो, मामला थाना में जाके कंप्लेंट करके दर्ज करके वसूली की जाती थी कि नहीं? याद है ये फर्जी है। और मलाट पुलिस स्टेशन जब मुकदमा दर्ज कर रही थी तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन करके आपने वो मामला दबाने का काम किया कि नहीं? क्या आपके इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में उगाही का काम हो रहा था कि नहीं? मामला मुंबई का हो, बिल्डरों के जमीनों का झगड़ा हो, मामला थाना में जाके कंप्लेंट करके दर्ज करके वसूली की जाती थी कि नहीं? जमीन मालिकों को पकड़ के लाते थे और सारी जमीनें अपने नाम पे लिखा ली जाती थी, ये सच है कि नहीं? क्या आपके कार्यकाल में विदेश से लोगों को फोन आते थे, कुख्यात गुंडे फोन करते थे और पुलिस वाले मामला सेटल कर देते थे कि नहीं? लेकिन सबसे गंभीर आरोप मैं लगा रहा हूं देवेंद्र जी आप पे कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी इसलिए किया जा रहा है आतंकवाद खत्म होगा, काला धन खत्म होगा, और एक बात मोदी जी ने कही थी कि बड़े पैमाने पे जाली नोट है उसे खत्म करने के लिए हम नोटबंदी का काम कर रहे हैं। जब नोटबंदी हो गई पूरे देश में जाली नोट, चाहे पंजाब हो, 2000 के 500 के जाली नोट पकड़े जाने लगे, मध्य प्रदेश में जाली नोट पकड़े जाने लगे, तमिलनाडु में जाली नोट पकड़े जाने लगे, लेकिन छापेमारी की जिसमें 14,56,00,000 रुपए के जाली नोट पकड़े गए, और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया। 56,00,000 रुपए डीकेसी में 8 अक्टूबर 2017, साथियों जाली नोट का नेक्सस आईएसआई पाकिस्तान दाऊद वाया बांग्लादेश, ये पूरी जाली नोट इस देश में फैलाई जाती है। 8 अक्टूबर के छापेमारी में 14,56,00,000 पकड़े गए। मुंबई में एक गिरफ्तारी हुई, पूना में एक जो गिरफ्तारी हुई, इमरान आलम शेख, पूना में गिरफ्तारी हुई रियाज शेख, और एक नई मुंबई में भी उसमें गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन 14 करोड़ की 56,00,000 की जब्ती को 8,80,000 रुपये बताकर मामला दबाया गया। पाकिस्तान की जाली नोट भारत में चले, मामला दर्ज हो और उसमें कुछ दिनों में जमानत हो जाती है,
मामला एनआईए को नहीं दिया जाता। नोट कहां से आ रही थी उसके अंतिम जांच कभी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि जो लोग ये सब जाली नोट का रैकेट चला रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार का संरक्षण था। कहानी बनाई गई कि वो तो कांग्रेस का नेता है, इस शहर में कभी भी वो कांग्रेस का नेता नहीं रहा। खेल था कि पकड़ा जाए तो कांग्रेस पे बिल फाड़ दो। और जो आलम शेख था, इमरान आलम शेख, ये माइनॉरिटी कमीशन 6 महीने के बाद जिसको हाजी अरफात शेख को चेयरमैन बनाया गया, उसका ये छोटा भाई है। हाजी अरफात शेख जिसे देवेंद्र जी ने दल बदल करा के थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया, और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे, और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। आज तो इतना बता रहा हूँ, आगे और बहुत सारी काली करतूते देवेंद्र जी के हैं, मैं लोगों के सामने रखूँगा। रियाज भाटी उनके साथ क्यों घूमता है? 2 पासपोर्ट के साथ अगर कोई अंडरवर्ल्ड का आरोपी एयरपोर्ट पर डिटेन हो जाए तो 2 दिन में कैसे छूट जाता है? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वीआईपी के पास कैसे बन जाते हैं? जाली नोट का नेक्सस चलता है, जमानत हो जाती है, पैसे कहां से आए, कहां से, उसका क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया जाता? क्या हैदर आजम की बीवी का बांग्लादेश का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है कि नहीं? क्या मुन्ना यादव ये खुखायत गुंडा है कि नहीं? हम तो सवाल देवेंद्र जी से पूछना चाहते हैं, इसका जवाब आप दें। अगर ये झूठ है तो बताएं कि नवाब मलिक मुन्ना यादव के बारे में झूठ बोल रहा है। रियाज भाटी फरार है, मुन्ना यादव पे मुकदमे हैं, जाली नोट का मामला DRI का है, जो एजेंसियां केंद्र की काम करती है उनसे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसको फिर से देखो। ये जाली नोट का नेक्सस पाकिस्तान से कैसे लिंक है ये भी देखना पड़ेगा। जब 14,56,00,000 पकड़े गए, जाली नोट का मामला था, तो क्या ऐसा हो गया कि जमानत हो गई तुरंत? क्या ऐसा था कि जांच आगे नहीं बढ़ी? और जिसको पकड़ा था उसके भाई को आपने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया? और ये योगा योग है कि उस समय भी उस केस का जो इंचार्ज था वो भी समीर दाऊद वानखेड़े ही था। जी ते DRI मध्ये ही केस झाली होती। आयोग महाराष्ट्र का चेयरमैन बनाया था, उसका ये छोटा भाई है। देवेंद्र जी, आप मुन्ना यादव को चेयरमैन बनाते हैं, खुखायत गुंडे को, बांग्लादेशियों को इस शहर के अंदर आबाद करता है, उसको आप माइनॉरिटी मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाते हैं, और जो जाली नोट का रैकेट चलाता है, कहीं छोटे मोटे कोई कार्ड छाप ले के कांग्रेस का नेता बना देता है, रहता है किसी और पार्टी में, काम आपके लिए करता है, और बाद में आप उसे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग पद का अध्यक्ष बनाते हो,
पूरी तरह से आपने राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? उनतीस अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और दो दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? हम देश के प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से स्कैनिंग किए बिना किसी भी व्यक्ति को पास नहीं इश्यू होता। प्रधानमंत्री शहर में आए और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। क्या ऐसा कारण था बिना स्कूटनी के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक पहुंच गया? देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थान ली होती, ये मामला DRI में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि जो 14 साल से वानखेड़े साहब जो मुंबई में लगातार पोस्टिंग रहे, उनकी पोस्टिंग ज्वाइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस रेवेन्यू की 1 जुलाई 2017 को हुई और उस समय उनके ही पास ये डिपार्टमेंट था। ये छापेमारी या जो भी कार्रवाई हुई थी DRI ने की थी और केस को हल्का करने के लिए यही अधिकारी के जरिए देवेंद्र जी ने सारी मदद की थी। हाजी अरफात के भाई का मामला रफा दफा करवाया था। ये कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन एक ही अधिकारी जिसके ऊपर गंभीर मामले चल रहे हैं, दो दो SIT जांच कर रही है, विजिलेंस की जांच हो रही है, और उससे ध्यान भटकाने का खेल कहीं तो नहीं, ये भी सवाल खड़े होते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुँचने के लिए पूरी तरह से स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उस व्यक्ति का पूरा स्क्रूटनी करती हैं। अगर जिसके ऊपर लगातार दाऊद इब्राहिम के संपर्क के मामले रहे हों और वो सीधे प्रधानमंत्री तक पहुँच जाए, तो कहीं ना कहीं उसे किसी ना किसी का आशीर्वाद था जिसके कारण उस कार्यक्रम के भीतर तक वो गया। दाऊद इब्राहिम का आदमी रियाज भाटी है, आज फरार है। थाना में जितनी उगाही हो रही थी उसका भी वो कहीं ना कहीं एक उगाही के कार्यक्रम का हिस्सा था। बहुत सारे मुकदमे खुले हैं जिसमें रियाज भाटी आज फरार है। हमारे साथ कोई फोटो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो है। नहीं, त्याच्या बाबतीत काही तपास सुरू आहे, त्याच्यावर मी भास करू इच्छित नाही। इंटेलिजेंस एजेंसी तक जो लिमिटेड है वो वाला पार्ट आप लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो आर
यू गोइंग टू राइट टू योर ओन द होमलेस हु इज फ्रॉम योर देखिए, मैं अगर इस तरह से चीजें करूंगा तो लोग कहेंगे कि नवाब मलिक लोगों को फंसा रहा है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बता रहे हैं, देखते हैं कितनी ईमानदारी से चीजें फिर शुरू होती है। रियाज भाटी को लेके देखते हैं क्या सफाई आती है। सर रियाज भाटी को पॉलिटिकल लॉबीज बताया जा रहा है और लगभग सारी पार्टियों के नेताओं का तो उसकी फोटो लाइव सारे ग्रुप में शेयर की जा रही है, किसी के पैरेलल नहीं। देखिए ऐसा है, रियाज भाटी किसके साथ तस्वीर उतार रहा है ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि दो पासपोर्ट के साथ अगर कोई एयरपोर्ट पे क्रिमिनल पकड़ लिया जाए तो दो दिन में कैसे छूट जाता है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कैसे एक्सेस मिल जाती है। तस्वीरें किसी की शादी में किसने उतार ली, मैं ये नहीं कहना चाहता। किसी नेता के साथ उसकी तस्वीरें, ये आरोप मेरा नहीं। मेरा आरोप है कि दो पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट के साथ मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया एक कुकैद गुंडा, दो दिन में जमानत हो गई। एक कुकैद गुंडा जिसके ऊपर लगातार आरोप थे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के भीतर जो वीआईपी का पूरा अरेंजमेंट था उसमें कैसे पहुंचा, पूरी तरह से देवेंद्र जी का संरक्षण उसको था। मी फोटोच्या बाबतीत आरोप लावत नाही, बोगस पासपोर्टचा जो केस आहे दोन दिवसात कसं त्याला सोडण्यात आला। पंतप्रधान यांच्यासोबत स्कूटनी केल्याशिवाय कुणाला जाण्याची परवानगी नसते, हे त्यांना ॲक्सेस देणे मागे कोण होतं हे माझे प्रश्न आहे। नाही, फोटोवर मी कधी आरोप लावत नाही। माझ्यासोबत पण कोणी येईल फोटो काढून जाईल। सार्वजनिक जीवनात लोकांच्यावर फोटो लोक काढताय। मुन्ना यादव हे शासकीय समितीवर अध्यक्ष होते की नाही, हाजी अरफात मायनॉरिटी कमिशनचा चेअरमॅन होता की नाही, आजम हैदर हे मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन होते की नाही, एका पदावर नेमणूक करत असताना पोलिसांकडून रिपोर्ट मागवण्यात येते की नाही, हे सगळं असताना त्यांना संरक्षण देण्यासाठी इनाम देण्यासाठी या तिघांना बोर्ड आणि कमिशनचा चेअरमॅन करण्यात आला होता। कमिशनचा चेअरमॅन करण्यात आला होता। तर ज्या पद्धतीने देवेंद्र फडणवीसला हे सगळं माहिती होतं त्याप्रमाणे शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांना माहिती होतं का? मला माहित नाही। त्यांना नंतर पक्षांतर करून अल्पसंख्यक आयोगाचा अध्यक्ष करण्यात आला, म्हणजे हे लोक यांच्यासाठी काम करत होती हे याच्यातून निश्चित होते। सर जिस प्रकार से क्रूज ड्रग्स मामला हुआ है, क्या ये प्रतीत होता है कि ये वसूली ड्रग्स मामला था, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट जो सामने आए और लोगों के केपी गोस्वामी और प्रभाकर सैल के, इसमें चैट में स्पष्ट नजर आ रहा है कि पहले से टारगेट दिए गए थे, कुछ चेहरे पहले से दिए गए थे और उनको पहले से निशाना साधना था, तो क्या ये वसूली ड्रग रेड इसे कहेंगे, क्या कहेंगे इस मामले? देखिए 13 लोगों को चिन्हित किया गया, जो 1-3 तारीख की रात में जो डीजी प्रधान साहब हैं उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार मिड सी ऑपरेशन हम लोगों ने किया। एक क्रूज पे छापेमारी हुई, 15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे और इस तरह की बातें कही गई, सारे देश में उसको लेके खबरें चलने लगी। लेकिन हमने पहले 6 तारीख को सवाल केपी गोसावी और मनीष भानुशाली पे उठाए थे। हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है, व्हाट्सएप चैट के जरिए जो प्रभाकर कह रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइडेड फोटो बांटे गए थे उन्हीं को पकड़ना था, ये सारा उनके कन्वर्जेशन में है। अगर रेड शिप पे डाली गई तो क्रूज को बिना परमिशन सेल करने की परमिशन क्यों दी गई? उस क्रूज में पूरी तरह से तलाशी क्यों नहीं ली गई? क्यों टर्मिनस से ही लोगों को डिटेन कर लिया गया? क्यों आर्यन खान को किसके कहने पे वहाँ तक लाया गया? आर्यन खान के घर वालों से 25 करोड़ की मांग क्यों की गई? डिस्काउंटेड रेट 18 करोड़ में डील क्यों हुई?
50 लाख रुपए उठाए क्यों गए, ये सारे सवाल हैं। दोनों एसआईटी के सामने सारे बयान हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, कॉल सीडीआर होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उसमें है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया आप भी मुकदमेबाजी में फंस जाओगे। मैं आज फिर कहता हूँ कि रैंसम मांगने वाला गुनहगार होता है,